वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से MSMS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है सभी सिस्टर्स के लिए, सभी भाइयों के लिए। आज का वो दिन है जब पूरे साल भर की लड़ाइयाँ, झगड़े, सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आज एक भाई अपनी बहन के लिए और एक बहन अपने भाई के लिए प्यार बरसाती है। बहनों को इस दिन का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। उनके दिल में, उनके मन में कई सारी जिज्ञासाएं जो वो होती हैं, कुछ बोल करके कह देती हैं, कुछ नहीं कह पाती हैं। तो आज रक्षाबंधन के दिन एक भाई अपनी बहन के लिए शगुन के तौर पर बहुत सारी चीज़ें एज ए गिफ्ट उन्हें देता है। मेरी एक पर्सनल राय, मेरा एक पर्सनल थॉट जो है वो ये है कि बहनों को शगुन के तौर पर अगर आप पैसे देते हैं तो बेशक दीजिए, देना भी चाहिए, लेकिन आप अदर कोई गिफ्ट उन्हें देते हैं तो वो भी दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और है जो देनी चाहिए, वो क्या है? आपकी एक बैड हैबिट। मैं बॉयज़ के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और गर्ल्स के लिए मैं एक बात यहाँ पे बोलूँगा कि वो आज के दिन अपने भाइयों से ये प्रॉमिस करवा ले, ये प्रॉमिस ले ले कि आज के बाद आप में कोई भी बुरी बैड हैबिट जो है वो आपको एक छोड़ देनी है, कोई भी एक। जैसे बैड हैबिट्स की मैं बात करूं, जैसे कोई गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, धूम्रपान करता है, शराब पीता है, ड्रिंक करता हो, गाली गलौज करता हो, तो आप बहनों को क्या करना है, अपने भाइयों से एक प्रॉमिस ले लेना कि आपको इनमें से कोई एक बैड हैबिट जो है वो इस राखी के दिन छोड़ देनी है, चाहे वो ड्रिंकिंग की हो, स्मोकिंग की हो, या फिर जो गुटखा वगैरह खाते हैं उसकी हो, कोई एक बैड हैबिट जो है आप छुटवा लीजिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके भाई का जो है वो जीवन संवर जाएगा। हर राखी के ऊपर आप उससे एक बैड हैबिट्स अगर छुटवाते हैं तो आने वाले समय में आपके भाई का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने वाला है, काफ़ी खुशहाल जीवन जो है अपने जीवन का जी सकेगा। दूसरी चीज, आपके भाई की जो वाइफ होगी वो भी किसी की बहन होगी, उसके साथ बुरा बर्ताव जो वो नहीं कर पाएगा, या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं कभी कभी, लाइक कि ये तो गुटखा खाता है, ड्रिंक करता है ना, तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर भी घर में जो है मियाँ बीबी के भी झगड़े होते हैं, तो वो भी सारे बंद हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप अपने भाइयों से ये प्रॉमिस लेते हैं, उन्हें एक बैड हैबिट छोड़ने के लिए कहते हैं, ठीक है। बाकी ये था बहनों के लिए। अगर मैं भाइयों की बात करूं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो प्लीज़ आगे से चल करके अपनी बहनों को ये बोले कि मैं आज राखी के दिन इस बैड हैबिट को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो, मैं इस हैबिट को वापस से अपने जीवन में नहीं ले करके आऊँगा। तो ऐसा उन्हें एज ए गिफ्ट देना चाहिए। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बातें जो वो समझ आई होंगी, और प्लीज़ कमेंट में ऐसा ना लिखें कि ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि हमें ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो ऐसा किया है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मुझ में कोई बैड हैबिट जो है ही नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है। आप ही हो, जो कुछ भी हो, दोस्त फैमिली जो भी है वो आप ही हैं, और जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ ये सब चीज़ें होती होंगी शायद, लेकिन ऐसा मेरी लाइफ में नहीं है। तो मेरे पास कोई भी बैड हैबिट्स जो है वो है ही नहीं, मैं कभी कभार भी बैड हैबिट के पास में भी नहीं जाता हूँ। सो, हमारी राखी तो आज की हो चुकी है, आप लोगों की भी जो है वो हो चुकी होगी, पर आज शाम तक जो है वो राखियाँ बंधेंगी। वैसे तो गोगा नवमी के दिन तक राखियाँ बनती हैं, आपको पता है। तो प्लीज़, आपको जो मैंने एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश करी है, आप उसे अपने जीवन में अपनाइए, आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी खुशहाल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वंस अगेन, हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू।